सांबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, गांव छन्नी बलोरी। मैं 31 तारीख को रात को 6:30 बजे अपने पशु बांध के घर वापस आया, और जब सुबह पशु निकाले बाहर गया तो मैंने देखा मेरे पशु वहाँ पर नहीं पाए, और मेरे पड़ोसी और भी हैं 4 लोग, उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि हमारे भी पशु वहाँ पर नहीं है। और हमने पूरा अपने गाँव का और अपना बॉर्डर बेल्ट का पूरा कमेटी इकट्ठा करके जाके अपना राखाम टाली में पुलिस चौकी में अपनी FIR करवाई, और इसके ऊपर जो है पुलिस ने एक्शन लिया और हमारे पशु जो है आज बरामद हुए हैं। और मैं अपना प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ताकि जो ये अपना पशु तस्करी है इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। प्रशासन से यही गुजारिश है कि जब तक हमारे अपना पशु तस्करी नहीं पकड़े जाते, हम आगे जो केस आगे लेके जाएंगे और लगातार लड़ते रहेंगे इसके ऊपर। जय हमारी पूरी बॉर्डर बेल्ट की यही गुजारिश एंड से कि अच्छा काम किया, अच्छी सफलता हासिल की है, और मेरी यही गुजारिश के साथ है, जब तक पशु तस्करी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम करण सिंह है, छन्नी दा रौहणी वाले। अस शामी डंगर 5 बजे 6:30 बजे डंगर बनी आए, अस सवेरे 5:30 बजे में गया दिखा तो झूठी है नहीं। मैं मी तो उसका शक हो गया कि झोटी कोई ना खोली दी है। फिर ये दुए मिगी मिले, आखन लगा कि मेरे भी इन्हें 2 गवं मेरिया भी नहीं है। उसके बाद फिर अस उत्तर गए देखा, पैरा शैरा दिखा, उस दौर गवं खोली दी होने हैं। उसके बाद अस चलीए बसेंतर, उधर पुलिस चौकी जाइए, DSP उधर SSP दफ्तर भी गए कल अस, तो फिर सारे डंगर अज जे सू डर मिले ने। कदू कराई रिपोर्ट? ये रिपोर्ट कराई कल है सवेरे। हाँ जी, आज हम यहाँ लोग आए छन्नी बलोरी के, जिनके पशु आज परसों रात को चोरी हुए थे। कल सुबह इन लोगों ने जब देखा तो इनके जहाँ पे जानवर रखते हैं वहाँ पे पशु आज परसों रात को चोरी हुए थे। कल सुबह इन लोगों ने जब देखा तो इनके जहाँ पे जानवर रखते हैं वहाँ पे जानवर नहीं थे। फिर इन्होंने तुरंत आके यहाँ रकम टाली चौकी में आके FIR कराई। तब से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, और पुलिस ने आज जानवर बरामद कर लिए, जो कि 5 जानवर थे। इस बात की हम सराहना करते हैं, लेकिन ये तब तक अधूरा है जब तक चोर नहीं पकड़ा गया। तो हम गुजारिश करेंगे SSP साहब से और कंसर्न्ड जो ऑफिसर हैं कि इस मुहिम को और तेजी से अपनाया जाए, क्योंकि आए दिन हमारे बॉर्डर के लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि आए दिन हफ्ते में 2-3-4 केस ऐसे हो जाते हैं जहां लोगों के जानवर चोरी हो रहे हैं। तो इस मुद्दे को और संजीदगी से लेना चाहिए। और भी कई मुद्दे हैं जो हमने देखे इस एरिया में, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो नशा तस्करी हो, लेकिन बोवाइन स्मगलिंग एक मेजर इशू है, एक मेजर प्रॉब्लम है, एक मेजर थ्रेट है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोग बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। अब हमें ऐसा सोचना पड़ रहा है कि लोगों, जैसे हम लोग अपने लिए मकान बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं, शायद हम तभी सुरक्षित होंगे जब हम जानवरों के लिए भी एक अलग से पक्का कमरा और बाहर ताला लगा के उनको रात में रखेंगे, तभी हम सुरक्षित हो पा सकते हैं। तो ये गुजारिश है कि ऐसा डर का जो माहौल बन गया है, ऐसी इनसिक्योरिटी जो लोगों में आ गई है, ऐसी जो दहशत लोगों में आ गई है, तो पुलिस को कार्रवाई और सख्त करनी चाहिए। इसके लिए कानून सख्त से सख्त बनाने चाहिए, ताकि चोर को अगली बार चोरी करने से पहले यह सोचना पड़े कि अगर मैं पकड़ा गया या अगर हम पकड़े गए तो हमें क्या सख्त से सख्त सजा मिल सकती है, क्योंकि हमने देखा कि चोरों में शायद यह डर खत्म हो चुका है। पीछे हमने देखा एक गाड़ी 3 बार पकड़ी गई 1.5 महीने के अंदर में, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको इस बात की बिल्कुल भी डर नहीं है, उनको इस बात का कानून को संजीदगी से नहीं लेते। तो कानून को सख्त होना चाहिए, पुलिस को सख्त होना चाहिए, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाना चाहिए। जब तक चोर नहीं पकड़े गए ये काम अधूरा है, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं है। तब तक हम आज तो जानवर घर ले जाएंगे, लेकिन पता नहीं कल हमें दोबारा से शायद FIR कराने ना आना पड़े। तो ये मामला तब तक ऐसे ही बना रहेगा जब तक चोर नहीं पकड़े जाएंगे।